नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस युग में भला कौन जवान नहीं रहना चाहता। पुरुष हो या स्त्री, कोई अपने चेहरे पर झुर्रियां नहीं देखना चाहता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी राजा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपनी भरी हुई जवानी गवा डाली और बाद में उसने अपने बेटे की जवानी लेकर अपनी प्यास बुझाई। अब आइए बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, पौराणिक काल में एक ऐसे राजा हुए जिन्हें एक ऋषि के श्राप की वजह से अपनी जवानी गंवानी पड़ी, और जब दोबारा उन्हें जवानी मिली तो क्या हुआ, ये बड़ी ही रोचक कथा है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताऊंगा जिसके अनुसार असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर एक राजा से उसकी जवानी छीन ली थी। आखिर कौन था वो राजा और क्यों शुक्राचार्य ने उसे ये श्राप दिया था, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, महाभारत में उल्लिखित ये घटना राजा ययाति के जीवन से संबंधित है, जिन्हें शुक्राचार्य ने एक ऐसा श्राप दिया जिससे उनकी यौवन जीवन का तहस नहस हो गया। कथा के अनुसार असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी अर्थात ऐसी दवा का रहस्य पता था जिससे मृत इंसान को भी जीवित किया जा सकता था, और इस रहस्य की वजह से राजा वृषपर्वा शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे। उधर शुक्राचार्य की एकमात्र संतान थी देवयानी, जिसे शुक्राचार्य के अत्यधिक लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया था। अपने पिता के प्रेम में देवयानी बहुत ही जिद्दी और घमंडी हो गई थी। एक दिन राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा शुक्राचार्य के पास उनकी बेटी देवयानी को स्नान के लिए झील ले जाने की अनुमति मांगने आई। शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा की बात मानकर अपनी पुत्री देवयानी को झील पर स्नान करने भेज दिया। सभी कन्याएं झील में नहा रही थीं कि अचानक बड़ा तूफान आ गया, जिसकी वजह से सभी के वस्त्र इधर उधर फैल गए और गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा को अपने वस्त्रों में देखकर देवयानी आग बबूला हो उठी और शर्मिष्ठा को भला बुरा कहने लगी। दोनों के बीच कहां सुनी बढ़ती गई और गुस्से में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धक्का दे दिया। इसी दौरान पड़ोस के राजा ययाति अपने घोड़े पर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कुएं में गिरी देवयानी की आवाज सुनी तो वह रुक गए और उन्होंने हाथ देकर देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। देवयानी राजा ययाति को देखते ही उन पर मोहित हो गई। देवयानी ने राजा ययाति पर स्वयं से विवाह करने का दबाव डाला, लेकिन राजा ययाति ने यह कहकर विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि वह एक क्षत्रिय है और किसी ब्राह्मण युवती से विवाह नहीं कर सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव ठुकराकर राजा ययाति वहां से चले गए और उनके जाने के बाद देवयानी घर न जाकर पेड़ के किनारे पर ही बैठ गई। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी देवयानी अपने घर नहीं पहुंची, तब शुक्राचार्य उसकी तलाश में निकल पड़े। जब वह उस कुएं के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को पेड़ के नीचे बैठा पाया। अपनी गलती छुपाते हुए देवयानी ने अपने साथ हुई घटना बताई और कहा कि जब तक शर्मिष्ठा उससे माफी नहीं मांगेगी, तब तक वह नगर में वापस नहीं जाएगी। शुक्राचार्य ने यह बात राजा वृषपर्वा को बताई और उन्होंने कहा कि अगर शर्मिष्ठा उनकी पुत्री से माफी नहीं मांगेगी तो वह इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। राजा वृषपर्वा किसी भी रूप में शुक्राचार्य को नगर से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए कहा और फिर अपने पिता के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी से माफी मांग ली। लेकिन देवयानी का मन इतने से कहां भरने वाला था। उसने आगे कहा कि शर्मिष्ठा को आजीवन उसकी दासी बनकर रहना होगा। शर्मिष्ठा जानती थी कि देवयानी हर समय उसका अपमान करेगी, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता के कारण देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन राजा ययाति दोबारा उसी मार्ग से गुजरे तो उनकी मुलाकात दोबारा देवयानी से हुई। देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी नौकरानी के रूप में राजा से मिलवाया और उसने एक बार फिर राजा के समक्ष स्वयं से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, और इस बार राजा ने देवयानी के इस प्रस्ताव को मान लिया। दोनों के विवाह के बाद दो पुत्र हुए। सब कुछ अच्छे से व्यतीत हो रहा था, लेकिन तभी अचानक एक दिन राजा ययाति और शर्मिष्ठा का आमना सामना हुआ। तब शर्मिष्ठा ने उन्हें बताया कि कैसे देवयानी ने उसे अपनी दासी बनाया है। यह सुनकर राजा ययाति को देवयानी पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने शर्मिष्ठा के हालातों को समझते हुए
उसे अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार किया और इस तरह राजा ययाति और शर्मिष्ठा का विवाह हो गया। तीन पुत्रों की उत्पत्ति के बाद शर्मिष्ठा और ययाति के विवाह की सच्चाई देवयानी को पता चल गई। फिर देवयानी अत्यधिक क्रोधित अवस्था में अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और उन्हें सारा हाल बताया। शुक्राचार्य ने क्रोधवश में ययाति को श्राप देकर उसकी जवानी छीन ली। राजा ययाति उनके सामने गिड़गिड़ाए और माफी मांगी। उनकी हालत देखकर शुक्राचार्य को उन पर तरस आ गया। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं दिया गया श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी जवानी देता है तो तुम जब तक चाहो तब तक जवान रह सकते हो। वृद्ध ययाति अपने महल पहुंचा और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से जवानी देने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद राजा एक एक कर अपने सभी पुत्रों के पास गया, लेकिन जवानी देने के लिए कोई भी नहीं माना। अंत में राजा का सबसे छोटा पुत्र पुरु अपने पिता को जवानी देने के लिए तैयार हो गया और इस तरह से राजा ययाति को अपनी जवानी दोबारा से मिल गई, लेकिन उसका पुत्र पुरु वृद्ध हो गया। ययाति ने अपनी पूरी जवानी का भरपूर आनंद उठाया, लेकिन एक दिन उसे अपनी गलती और पुत्र के प्रति किए गए अन्याय का एहसास हुआ। ययाति आत्मग्लानी में अपने पुत्र के पास पहुंचा और उसे कहा कि वह अब और ज्यादा जवान नहीं रहना चाहता, और इस तरह ययाति ने पुरु को उसकी जवानी वापस लौटा दी और साथ ही अपना राजपाट भी उसको सौंप दिया। अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपने के बाद राजा ययाति अपनी पारिवारिक और राजकीय जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए वन में चले गए और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वहीं बिताया। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको राजा ययाति और उनकी जवानी से जुड़ी ये कथा कैसी लगी। इसी के साथ आप मुझे जाने की अनुमति दें, मैं एक बार फिर लौटूंगा ऐसी कुछ और पौराणिक और धार्मिक कथाओं के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।